गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास की 48वीं नंबर की वीडियो है हमारी। और इसमें जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि एक नई स्टेप हम लेके चल रहे हैं, और वो नया तरीका क्या है उसके आधार पे हम बात करते हैं। देखिए, जैसे इसमें प्राचल नहीं है, ठीक है। एक फलन का फलन दिया है, पूरा एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष आपको काम करना है। जैसे e की पावर 10x आ रहा है, जैसे एक पहला सवाल लेते हैं कि e की पावर 10x का साइन एक्स के सापेक्ष, साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब जिस भी बच्चे ने, ये लास्ट टॉपिक है हमारा अवकलन का, और जिस भी बच्चे ने पूरे तरीके से अवकलन को पढ़ लिया है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर बीच में से कहीं से शुरू किया है या चीज़ों को देख भी रहे हैं पर रिवाइज नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, तो फिर ये सिचुएशन हमारे लिए कंट्रोल वाली नहीं है, है ना। तो क्या गड़बड़ हो रही है इसका पहले ध्यान रखिएगा। e की पावर 10x का साइन एक्स के सापेक्ष अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक थोड़ा सा गौर करिए इस सापेक्ष वर्ड पर, यह सापेक्ष ही तो करता है गड़बड़ सबसे ज़्यादा। कि क्वेश्चन क्या था और हम कर क्या रहे थे, कोई भी सवाल दिया, कोई भी प्राचल दिया, कुछ भी दिया, जैसे जस्ट अभी पहले वाले की बात करें तो x बराबर में इधर t चल रहा है, तो जो सामने की तरफ है हमने उसको t मान के, और मतलब t हमें दिया हुआ है तो हमने t को, जो प्राचल हमको दिया गया था, t के सापेक्ष काम कर दिया, यही हो रहा था। अस्पष्ट फलनों की बात की तो x फिर भी x के सापेक्ष ही काम चलता रहा है। किसी जगह पर ऐसा भी हुआ कि हमने जैसे थीटा के सापेक्ष काम कर दिया, तो सापेक्ष सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इनके अंदर कि हम किसके सापेक्ष काम कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर e की पावर 10x आ रही है, इसमें भी x आ रहा है, साइन x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है ना, तो दोनों में x आ रहा है, तो हमें इसके सापेक्ष काम करना है, तो ये तो मामला उलझ रहा है थोड़ा सा, कैसे करेंगे फिर। तो फिर हम यहाँ पर चरों को लेते हैं, और चर कैसे लिए जाएंगे, फिर हम यहाँ मान लेते हैं, जैसे देखिए तरीका क्या रखेंगे इसको करने का, कि माना y बराबर e की पावर 10x, है ना, y बराबर e की पावर 10x, y बराबर e की पावर 10x हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, जब ये सिचुएशन हमारे पास हो गई तो इसको भी तो कुछ मानना पड़ेगा, इसको क्या मानेंगे भाई, इसको तो y बराबर मान लिया, इसको क्या माने, x तो मान ही नहीं सकते, है ना, x नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि x इसमें भी है और इसमें भी है, x तो दोनों में आ रहा है, चर तो पहले से यूज़ किया हुआ था, x को नहीं मानेंगे, हम मान लेते हैं z को, मान लीजिए z ले लिया, स्मॉल z बराबर साइन x। अब नंबर एक ये हो गया, नंबर दो ये हो गया, थोड़ा बहुत मिलता जुलता प्राचल विधि से है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कर, थोड़ा बहुत प्राचल विधि से मिलता जुलता रहेगा, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये होगी थोड़ी सी अलग। वहाँ पे t प्राचल होता है, यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई x प्राचल है, लेकिन x कांस्टेंट नहीं होता। तो क्या कंडीशन आएगी, देखिए समीकरण एक, समीकरण एक का x के सापेक्ष, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या वैल्यू आती है, यहां से आ जाता है dy by dx बराबर y है, तो y बराबर dy by dx हो गया तो सीधा, और e की पावर 10x आ रहा है, e की पावर 10x का जब हम अवकलन करते हैं तो e की पावर 10x मतलब e की पावर x, e की पावर x की तरह होगा, तो e की पावर x हो गया। फिर 10x का करेंगे, श्रृंखला नियम बन रहा है, 10x का करेंगे तो क्या जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है, ये नंबर तीन हो गया, नंबर तीन हो गया। अब क्या करते हैं, जब ये काम हमारे पास हो जाता है फिर हम आ जाते हैं समीकरण नंबर दो पर, समीकरण दो का भी इसी प्रकार से करना है। इसके बाद देखिए समीकरण नंबर दो में, तो दोबारा ये लिखते हैं, समीकरण दो का x के सापेक्ष, समीकरण दो का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
जब इसका अवकलन करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? इसका मान आता है हमारे पास डी जेड अपॉन डी एक्स। देखिए ये भी x के सापेक्ष है ना, ये जरूर ध्यान रखना है। बस मेन काम तो बस यही है कि y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, z का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। अभी एक चीज़ और आएगी मेन इसमें, वो इसका पहले अवकलन कर लेते हैं। sin x का क्या हो जाएगा? cos x हो गया सीधा ही, इसको डाल दीजिए नंबर चार। अब आपको ध्यान देना है जो मेन काम है, अब dy बाई डी एक्स नहीं निकालना है ना, यहाँ मेन काम चालू हुआ कि इसका तो अवकलन करना है। इसका किसका? e की पावर टेन एक्स का। इसका तो अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है? साइन एक्स के सापेक्ष करना है। तो साइन एक्स को हमने कहाँ माना है? जेड में, और इसको माना है वाई में। तो जिसके सापेक्ष करना है वो हमेशा नीचे होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनता है वो ये होगा कि आपको लाना है डी वाई अपॉन डी जेड। क्या लाना है? डी वाई अपॉन डी जेड लाना है, ठीक है। तो डी जेड यानी अब क्या करना पड़ेगा? अब भी वही काम हो रहा है, अब देखिए उल्टा हो गया। डी वाई ऊपर रहेगा है ना, डी वाई ऊपर है, डी जेड नीचे। तो डी वाई का साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कंडीशन क्या रहेगी? अब समीकरण तीन में समीकरण चार का भाग होगा, क्योंकि डी वाई ऊपर रखना है, डी जेड नीचे रखना है, ठीक है। पिछले वाले में क्या चल रहा था? हर सवाल पे चार में तीन का भाग लगा, तो वो सिचुएशन को याद नहीं रखना कि भाई हमेशा चार में ही तीन का भाग लगेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस सिचुएशन को देखकर हमें आंसर देना होता है। तो यहाँ पर वाई ऊपर रहेगा और जेड नीचे रहेगा, ठीक, इसके अकॉर्डिंग काम करिए। तो यहां जाते हैं समीकरण तीन में, समीकरण तीन में समीकरण चार का, समीकरण चार का भाग देने पर क्या हो जाता है? तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर, अब डी वाई वाली सिचुएशन ऊपर, e की पावर टेन एक्स इंटू सेग स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉज एक्स आ रहा है, कॉज एक्स यहाँ जाएगा। अब ये जो सेग स्क्वायर एक्स है इसको भी तो आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, कि सेग स्क्वायर एक्स है तो इसको नीचे ले आइए। तो ये तो डी एक्स है, डी एक्स कैंसिल हो गया, यह बच गया डी वाई अपॉन डी जेड बराबर, ये हो गया e की पावर टेन एक्स और अपॉन में सेग स्क्वायर नीचे गया तो कॉज स्क्वायर हो गया है ना, तो ये एक कॉज पहले से ही था तो कॉज क्यूब हो जाएगा। बस ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो या तो आप इसको भी ऊपर ले जाइए तो sec क्यूब हो जाएगा, या इसको नीचे ले जाइए तो cos क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास होगी और इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये ना तो प्राचल विधि के अंदर आते हैं, इसको प्राचल भी नहीं बोल सकते कि भाई किसी एक विशेष सिचुएशन को हमने प्राचल मान लिया हो, तो ऐसा नहीं होता। ये केवल डिपेंड करता है कि किसका अवकलन दिया जा रहा है और किसका अवकलन किया जा रहा है और किसके सापेक्ष किया जा रहा है, ठीक है। तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष जो अवकलन किया जाता है उसकी सिचुएशन ये होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस काम को करते हैं। लिख लिया, मिटाओ, फिर नेक्स्ट पे आइए, अगला एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए कोई पर्टिकुलर इसके लिए रूल भी नहीं है, और दूसरी बात ये भी है कि इसमें कोई ये भी नहीं कहेगा कि आपको जो तरीके हमने पहले पढ़ रखे हैं ना उसमें से कोई सा भी कहीं से भी तरीका निकाल सकते हैं। जैसे एक ये तरीका आया है, एक क्वेश्चन है कि log sin x की पावर sin x, नंबर दो कि log sin x की पावर sin x का साइन एक्स के सापेक्ष, का साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। है ना, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, लॉग साइन एक्स की पावर साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो ये जो स्थिति यहां पे आई, तरीका वही है कि इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो हम x को बराबर में नहीं लेंगे ना, y को ले लेते हैं, y को ले लेते हैं, z को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लिया हमने कि माना y बराबर log sin x की पावर sin x, एक तो ये आ गया, इसको डाल दीजिए नंबर एक। फिर sin x है, इसको ले लेते हैं z बराबर sin x, इसको मान लिया नंबर दो।
ठीक है, ये log x की पावर log sin x की पावर sin x है, इसको log वाली विधि से हल करेंगे। फिर नीचे आ रहा है x z बराबर sin x, इसको नॉर्मल विधि से हल कर लेंगे, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब पहले हम काम करते हैं समीकरण एक के लिए। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या आता है यहाँ से कि x के सापेक्ष एक मिनट x के सापेक्ष अवकलन अभी नहीं कर सकते क्योंकि चर पे चर पावर है, आ गया ना। जब x की पावर x वाला रूप बन रहा है तो log विधि से होगा, तो अभी डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, इसको हम log मानेंगे पहले। तो इसको लेते हैं वापस समीकरण एक से, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि y बराबर log sin x की पावर sin x ये दिया हुआ है, log ले लेते हैं दोनों पक्षों में। log लेने पर जब log लिया तो क्या आएगा, log y बराबर log, एक log तो हमने लिया है, एक ये चल ही रहा है, तो ये आ जाएगा log ऐसे sin x की पावर sin x, है ना, ये स्थिति आ जाती है। एक काम और हो सकता था, एक काम और कर सकते थे, थोड़ा सा छोटा हो जाता उससे, क्या कर सकते थे देखिए, इसको अगर हम ऐसे कर देना तो ये छोटा हो जाएगा ना, देखो छोटे तरीके से कर लेते हैं इसको, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो दो बार करना पड़ेगा। मैं आपको इसको छोटे तरीके से बता देता हूँ यहीं से, देखिए सिचुएशन तो हमने मान ही ली है ना, और एक ये थोड़ा सा ब्रैकेट ऐसे रखिए इसको कि लॉग पे इस तरह से है, ये log sin x की पावर sin x, और इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा। अब एक कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, नहीं तो इसको अलग से हल करना है, इसको अलग से हल करना है, फिर दोनों का भाग देना है, बात वही होगी लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। z sin x हो गया ना, यहाँ पर भी तो sin x आ रहा है दो बार, तो इस sin x को हम इसमें रख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण दो से। ये ट्रिक चल रही है बस, अब है ना, सिखाया जा रहा है कि अब अगर कोई ट्रिक वाले अवकलन होता है तो कैसे चल रहे हैं, अवकलन के जो नियम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये ट्रिक थोड़ी सी समझाई जा रही है बस। तो समीकरण दो से समीकरण एक में मान रखने पर, ये मान रख दिया इसमें, समीकरण दो से समीकरण एक में मान रख दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये हो गया वाई बराबर, इसमें रख रहे हैं मान, तो लॉग जेड हो गया ना, साइन एक्स का मान जेड के बराबर है, तो यहाँ जेड रख दिया, छोटा हो जाएगा, और इस पे भी पावर जेड हो गई, सही है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ जाती है, कंप्लीट हो गया। अब ये एक ही फलन बन गया, भाई हमको निकालना क्या था, हमको यही तो निकालना था, इसका अवकलन निकालना है, इसके सापेक्ष निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी जेड ही तो ज्ञात करना है ना, और डी वाई बाई डी जेड यहाँ से निकल जाएगा आराम से, हो गया, तो बिल्कुल छोटा हो गया, मतलब एक ही बार अवकलन करना पड़ेगा और एक बार से ही काम हो जाएगा, लेकिन चर पे चर तो चल ही रही है, लॉग वाली विधि तो यूज़ करेंगे लेकिन दो बार नहीं करेंगे, जैसे इसको अलग से किया, इसको अलग से किया, फिर सॉल्व किया, अब केवल एक बार सॉल्व किया और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें रख देते हैं मान, इसको मान लीजिए नंबर 3, और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 के 2 पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग ले लो, तो लॉग वाई बराबर लॉग जेड, वो एक मिनट, लॉग और फिर उसके बाद लॉग जेड की पावर जेड, ऐसे ठीक है। अब ये पावर हट के बाहर आ जाएगी, और लॉग वाई बराबर ये जेड बाहर आया, तो लॉग लॉग जेड,
हो गई, ये सिचुएशन आ गई। अब क्या करेंगे आप, इसमें यू इंटू वी बन रहा है, ये पहला पद बन गया, ये दूसरा पद बन गया, पहला पद इंटू दूसरा पद, इनका अवकलन कर दीजिए तो नंबर चार हो गया। समीकरण चार का अवकलन करते हैं, समीकरण चार का जेड के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर, जेड के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो लॉग वाई का वन अपॉन वाई और वाई का डी वाई बाई डी जेड, जेड के सापेक्ष हो रहा है ना, तो पहले लॉग वाई का किया वन अपॉन वाई हो गया, फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी जेड हो गया, फिर उसके बाद में ये यू इंटू वी से चलेगा डी जेड और लॉग 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 जेड, तो पहले तो जेड को छोड़ दिया, ठीक है। इसका कर रहे हैं लॉग एक्स, ये पूरा एक्स है, लॉग एक्स का क्या हो गया वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन लॉग जेड, ये हो गया। फिर लॉग जेड का करेंगे, श्रृंखला नियम बन रहा है ना, वन अपॉन जेड हो गया, सही है। पहले लॉग जेड को तो छोड़ दिया, पहले वाले को जेड को बाहर चल रहा है, लॉग एक्स ये पूरा एक्स है, इसको एक्स मान के चलेंगे तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो गया। फिर अंदर आ जाएंगे, श्रृंखला नियम बना, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो गया कंप्लीट, और जेड का करेंगे तो ये क्यों होगा, क्योंकि जेड के सापेक्ष चल रहा है। फिर उसके बाद में हम यहाँ आते हैं, अब इसको छोड़ेंगे, इस वाले का हल करेंगे, तो यहाँ से माना जाता है लॉग लॉग जेड प्लस लॉग लॉग जेड इंटू एक, जेड का जेड के सापेक्ष हो गया। अब क्या काम करना है भाई, वाई को हटा दीजिए, बस यही आंसर है हमारा, तो डी वाई बाई डी जेड बराबर वाई इधर आ जाता है, और जेड देखिए इससे जेड से ये जेड कैंसिल हो गया ना, ये जब जेड अंदर जाएगा तो वाई, और इसको हम लिख देते हैं वन अपॉन लॉग जेड, बस यही होगा प्लस, और ये वाई कंप्लीट के लिए ले लेते हैं ऐसे ले लो, लॉग और लॉग जेड हो गया ना, ये वाई तो कंप्लीट के साथ ही चलेगा। अब उसके बाद में इनमें मान रख दीजिए, बस हो गया काम, तो y का मान ये रहा और z का मान ये रहा, इन दोनों मानों को यहाँ रख देते हैं, तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से मान रखने पर, समीकरण एक व दो से मान रखने पर देखिए dy की जगह पर तो ये चल रहा है, मतलब इनको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, इसमें मान डालने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो y की जगह पर हमने रख दिया log sin x, log sin x की पावर sin x, ये ऐसे, ये तो ऐसे है ना, ब्रैकेट चेंज कर दिया था, ठीक है, तो log sin x की पावर sin x हो गया। फिर 1 अपॉन log z, तो 1 अपॉन log sin x, ऐसा लिख सकते हैं भाई, जेड का मान क्या है, जेड का मान तो साइन एक्स आ रहा है ना, फिर प्लस, प्लस में लॉग लॉग जेड, तो प्लस लॉग, फिर लॉग और साइन एक्स, ठीक, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है और इसके अनुसार हमारा ये कार्य समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये काम करने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अटपटा ले लिया था और अभी तो शुरुआत थी, और शुरुआत में ही ऐसा क्वेश्चन लेके चलिए, अगर थोड़ा सा इसको लास्ट में लेते तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी खैर इस वीडियो में आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी विधि की थोड़ी सी और कंडीशन को हम लेके चलेंगे और फिर उनको हल करेंगे, ठीक है, ये इसमें